यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मज़े कर रहे होंगे। फिलहाल दोस्तों मैं अभी हूँ इंडोनेशिया के अंदर एंड ये मेरा स्कैनिया का ट्रक है। एंड फिलहाल दोस्तों अभी वीड यहाँ पर बेसिकली ये जो गेहूँ वगैरह होते हैं ना ये जा रहे हैं। एंड अभी जस्ट मैं यहाँ से लेकर निकलने वाला हूँ दोस्तों इसको और चलिए चलते हैं। फिलहाल अब मैं यहाँ पर ये भी खोल लेता हूँ स्पीड वगैरह मैनेजमेंट। चलिए फिलहाल मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप का लुक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। ये आ चुका है अपना पूरा का पूरा। ठीक है ये स्टीयरिंग हो गया। चलिए ऑटोमेटिक है भाई अपना ट्रक। हॉर्न वगैरह की आवाज़ तो भाई आपने यहाँ पर सुनी ली होगी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पास में ही है। मैं आपको बाहर का भी एनवायरनमेंट दिखाना चाहूँगा दोस्तों। बाहर से देखिए कितना ज़्यादा डेंजरस भाई यहाँ पर ये हो रखा है, एक नंबर दोस्तों। खैर मुझे अपने ट्रक को ना काफ़ी आराम आराम से चलाना पड़ रहा है। भाई हॉर्न बहुत ज़्यादा खतरनाक है ट्रक का। ओके ये आ गया दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल पंप, बट अब फिलहाल मुझे पेट्रोल डलवाना नहीं है। इस टाइम अपने ट्रक में बहुत पेट्रोल है। एंड यहाँ पर दोस्तों ये एक स्टेडियम है, ये रहा पास ही में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का दोस्तों मैच वगैरह होता रहता है। काफ़ी सही है। चलिए हम आगे चलते हैं। स्पीड लिमिट फ़िलहाल 80 है यहाँ की इस रोड की। एंड अभी तो मैं तो भाई यहाँ पर बहुत हल्की चल रहा हूँ, मैं तो टॉप एंड भी 80 नहीं है ट्रक का। अपना ट्रक देख लो किस टाइप का है दोस्तों। फिलहाल थोड़ा सा पहाड़ी इलाका तो है यार ये। चलिए कोई नहीं, हम अपना आराम आराम से अपने ट्रक को लेकर चलेंगे। क्या बात है, अभी तो मैं तो भाई आराम से बैठा हुआ हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ करने के लिए है। ओ भाई ये ट्रक एक वार्निंग दे रहा है मुझे, पर ये पता नहीं किस चीज़ की वार्निंग दे रहा है। आई डोंट नो दोस्तों, पर ट्रक यहाँ पर किसी चीज़ की तो वार्निंग दे रहा है। छोड़ो भाई अब वार्निंग पे ध्यान दूंगा तो भाई रास्ता बुरा मान जाएगा। अभी हमें थोड़ा आराम आराम से अपने ट्रक को दोस्तों लेकर चलना है। पीछे एक बस वाला भी आ रहा है। ये है दोस्तों फुल लोड, ये देखिए भाई फुल लोड वाला रास्ता। ओ भाई वो तो निकल गया पीछे। बस वाला ओवरटेक ना कर दे। बस में पावर है तो कर भी देगा ओवरटेक हो। खैर फिलहाल आगे तो दोस्तों भी मैं ही यहाँ पर चल रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यार ओवरटेक नहीं होना चाहिए, फिर मामला ख़राब हो जाएगा। मैं तो भाई 80 से भी ऊपर अपने ट्रक को दोस्तों भगा रहा हूँ यहाँ पर। क्या बात है, पीछे वाला बंदा मेरे काफ़ी क्लोज आने की दोस्तों सोच रहा है, बट मैं उसके पास नहीं आऊँगा। मुझे जो फिलहाल ट्रक को फुल स्पीड पर भगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है दोस्तों, अपना ट्रक भाई पूरा 100 पे भाग रहा है, 100 102। स्पीड तो खुली हुई है पूरी,
मैं इसको डीपर भी दे रहा हूँ। भाई ट्रक वाला कितनी स्लो चला रहा है। असल में स्कैनिया का भाई कोई मुकाबला भी तो नहीं है दोस्तों। स्कैनिया के ट्रक भागते भी तो इतने हैं यार। एक सौ बाईस तेईस भाई फट्टे फाड़ देगा ये ट्रक तो। मेरे हिसाब से कार से भी तेज जाएगा। 150 की स्पीड पर भाई ट्रक भाग रहा है अपना। ये कार को पीछे कर देगा ये, और ये कर दी गाड़ी को पीछे। इसीलिए तो भाई हम अपने ट्रक को इतनी रफ्तार पे चलाते हैं ताकि हमें और माल मिल सके, हम जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। और एक पुल आ गया, नाइस। नीचे की ओर मेरे हिसाब से दोस्तों हाईवे है। यहाँ पर लोग बाग खड़े हुए हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। ये देखो पावर ब्रेक्स भी होने चाहिए भाई ट्रक के, समझ गए, पावर ब्रेक्स भी। तभी कामयाब है, वरना भाई बेकार है। पावर ब्रेक्स ना होगा भाई ट्रक के। अब तुम भगा इतने पर रहे और रुके ना भाई ट्रक, फिर क्या होगा। शार्प टर्न तो काटे ही ना भाई ट्रक से। अब गाड़ी वाला पक्का ना भाई ओवरटेक करने की सोचेगा। क्योंकि इस टाइम ट्रक हो चुका है भाई फुल लोड में। बट एक बार बताऊं मैं तुम्हें, अगर एक बार मैं आगे निकल गया ना फिर भाई मैं पीछे भी नहीं कर पाऊंगा। ये भाई की बूस्ट, अब बूस्ट आएगा। स्पीड देखना कैसे बढ़ेगी। यहाँ पर लकड़ी का कारखाना है दोस्तों पूरा का पूरा। ये यहाँ पर घोड़ा खड़ा था। क्या बात है, अब भी तो अपना ट्रक चल रहा है। एयर देखना दोस्तों, क्या बात है गाइस। ये हम निकल गए आगे। अरे भाई अब भाई भाई बच गया क्या, बच गया। भाई देखो एकदम हल्के हल्के से मोड़ना है भाई ट्रक को। इतनी हायर स्पीड पर हम इतने खतरनाक टर्न्स भी नहीं ले सकते हैं। काफी शार्प टर्न है भाई ये, और ये लेना काफी खतरनाक भी है। ये मीटर से भी ऊपर भागता है। तो 40 पे मैंने ओवरटेक किया उन सबको। भाई एक सौ चालीस 138 पे भाई मेरा ट्रक भाग रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये एक सौ सैंतीस पे तो चल ही रहा है। 137-136 पे भाई कार भी होती है ना वो भी डगमगा जाती है इतनी हायर स्पीड पर। बट हमने ट्रक दोस्तों फिर भी यहाँ पर टिका हुआ है।
देखो तुम। और एक वो सामने देखो भाई, सौ 35-36 पे मैं क्रॉस करूंगा इस दूध वाले को। दूध वाला है ये, पेट्रोल ले जा रहा है। मर्सिडीज के ट्रक को बताओ ओवरटेक कर दिया मैंने। बताओ यार मर्सिडीज वालों क्या रह गया। एकदम भाग रहा है भाई, कुत्तों की तरह भाग रहा है 135 पे। बस यहाँ थोड़ी शार्प टर्निंग है और वो भी एक ट्रक के साथ अपना मुकाबला सा है। ओ शिट यार गाइस, तभी तो बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो गाइस हमारे ट्रक का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया यार। मैं कुछ ज़्यादा ही शार्प टर्निंग दोस्तों यहाँ पर कर रहा था, उस वजह से यहाँ पर हो चुका है। तो गाइस खैर कोई दिक्कत नहीं, मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलूंगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।